Hi, this is Neeraj Garg and you are watching Polynomials. Find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cubed plus 3x square minus 4x plus k. So, x minus 1 is a factor already given है, ठीक है? और हमें k की value निकालनी है. जब x minus 1 इसका factor है, तो इसकी हम 0 निकालेंगे सबसे पहले. So, x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1. और इस value हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे. तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, लेट px. इसको px ले लेते हैं और ये px हो गया 4x cube plus 3x square minus के 4x plus k, ठीक है? अब क्योंकि ये एक फैक्टर है, x minus 1 is a factor, it means ये जो वैल्यू है ना, x is equal to 1, जब इसमें हम पुट करेंगे तो that is equal to 0 आना चाहिए. फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि ये फैक्टर कब होता है, जब हम इस x की वैल्यू को, x की 0 को, जो x minus 1 से 0 निकल रही है, जो कि 1 आई है, अगर हम इसके अंदर डालें तो हमारा जो आंसर है वो 0 आना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा कहते हैं कि p1 is equal to 0, ठीक है? p1 क्या हो गया, 0, as यहाँ पर लिख दो, as x minus 1 is a factor, therefore p1 is equal to 0, ठीक है? तो इसके अंदर हम x की वैल्यू 1 डालेंगे, 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस k, दैट इज इक्वल टू 0. तो या 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, दैट इज इक्वल टू 0. 4 4 कैंसिल हो गए, k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 3. सो k की वैल्यू माइनस 3 के लिए अगर हम यहाँ पे माइनस 3 डाल दें तो x माइनस 1 जो होगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा, राइट? वो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ऑल द बेस्ट.